माँ पार्वती यहाँ पे स्नान कर रही थी, उसी टाइम कर्ण फूल यहाँ पे कुंड मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाया जाता है। सुबह से ट्रेन से उतरे और चलते जा रहे हैं, इसका चेहरा भी एकदम हालत खराब हो गया है। फैमिली कैसे हूँ, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मस्त होंगे। तो फिर से एक और न्यू ब्लॉक में स्वागत है बनारस के। तो अभी भैरवनाथ के मंदिर से निकला हूँ और अभी जाऊँगा घाट का ब्लॉक होने वाला है। तो आप लोग बस ब्लॉक में कंटिन्यू बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यार आप लोग शेयर कीजिए क्या कर रहे हो। इतना ब्लॉक आप लोग को दे रहा हूँ, इतना ट्रेवल घर बैठे आप लोग को घुमा रहा हूँ पूरा बनारस। तो आप लोग को फर्ज है कि आपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो सपोर्ट कीजिए। चलिए ज़्यादा बक बक ना करते हुए आप ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग ब्लॉक में बने रहिए कंटिन्यू। अच्छा, आप लोग जो लोग मेरे ब्लॉग को रेगुलर देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ आपने गौर किया है इस बनारस के ब्लॉक में, तो या गौर किया तो उससे बोलने से पहले आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं वैसे जो लोग को नहीं पता है मैं तो बता दूंगा। देखिए एक कलर, देखिए यहाँ पे जितना बिल्डिंग है सारा बिल्डिंग का सेम कलर है, देख सकते हैं। मतलब अभी हम रास्ते में चल रहे थे तो एक भैया मतलब बात करते जा रहे थे, तो मैंने उन्हीं के मुँह से सुना, तो मुझे तब दिखाई दी हाँ कि नहीं एक ही कलर का सारा बिल्डिंग है। लेकिन मुझे उतना, मैंने भी उतना दो दिन से घूम रहा हूँ लेकिन मैंने फोकस नहीं किया। पर आप लोग भी देख सकते हैं सेम कलर, सारा बिल्डिंग का सेम कलर। सुबह से ट्रेन से उतरे और चलते जा रहे हैं, इसका चेहरा भी एकदम हालत ख़राब हो गया है, आँख ताक लाल हो गया, सोने भी नहीं मिला। रात को तो सोए थे लेकिन हालत ख़राब हो गया एकदम। मेरा तो बैग उतना मतलब भारी नहीं है, इसका बैग बहुत ही भारी है, लेकिन भैया हालत तो ख़राब होगा ही। कुछ करने के लिए कुछ होना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। कर रहे हैं भाई, मेहनत ही कर रहे हैं, बिना मेहनत का कुछ होगा? आप ही लोग बताओ कमेंट करके, बिना मेहनत का कुछ होने वाला है? मैं घाट घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक बोटिंग नहीं किया हूँ। अभी जाएंगे घाट तो बोटिंग भी करेंगे। कितना पैसा लेता पहले वो डिसाइड होगा भाई, पहले आप लोग को नए ब्लॉग में बता देंगे कि मैं ब्लॉग बोटिंग करूँगा, पहले पैसा कितना लेगा देखेंगे, उसके बाद आप लोग को ये बोटिंग तो एक से एक व्यू आप लोग को देखने मिलेगा। बहुत देरी तक चलते चलते आ गए मणिकर्ण का घाट। इस जाएंगे इस घाट में मतलब घूमने के लिए। इस घाट में लगभग जो मुर्दों को जलाया जाता है, ये गली देख इस साइड, इस गली से भैया घाट जाने का देख रहे। छोटा छोटा गली यहाँ पे बहुत फेमस है, इस तरह का गली। दर देते हुए प्रवेश कर चुके हैं भैया, बहुत अपने मुकाम पे आ चुके हैं। और यहाँ का जो गेट गोली है यहाँ पे जलाया जाता है इस घाट में। देखिए भैया यहाँ से व्यू, ओ भाई साहेब, इधर भी लाश ही जल रहा है, ऊपर डेड बॉडी जल रहा है और ऊपर में भी जलता है देख सकते हैं, और ये साइड भी जलता है। ये तो मंदिर अलग नहीं, ये भी जलता है भाई। यहाँ पे देखिए एक जाते हैं एक आते हैं, और यहाँ का व्यू तो आप देख सकते हैं। और पूछेंगे जाके बोटिंग का कितना लगता है पैसा, क्योंकि बोटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए लकड़ी पर जलावन कितना रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मरा हुआ बॉडी जो आता है यहाँ पे जलाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा है भाई। चलो चलो, ये देखिए जो बॉडी जो जलाया जाता है यहाँ पे, इस टाइप का बना हुआ है। लेकिन सुल्तानगंज गए थे, इस टाइप का बना हुआ नहीं रहता है, वहाँ पे आप प्लेन रहता है। और देखिए यहाँ पे बना रहता है लोहा का। दोस्तों इस घाट की बहुत ही पुरानी कहानी है। लोग कहते हैं कि जब माँ पार्वती यहाँ पे स्नान कर रही थी उसी टाइम कर्ण फूल यहाँ पे कुंड में खो गया था, जिसे
बाबा भोले ने ढूंढ कर निकाला और वही माँ पार्वती के फूल के नाम पे इस घाट का मणिकर्णिका घाट पड़ा। मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाया जाता है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में। दोस्तों देख सकते हैं सिर्फ चारों तरफ चिता ही चिता जल रही है और ऊपर में भी चिता ही जल रही है। देख सकते हैं कितना सारी चिता है। ये इंसान की असली पड़ाव है दोस्तों और इसे सारे लोग को गुजरना है। यहाँ पे सारे इंसान एक समान। और यहाँ से देखिए तगड़ा वाला लुक लग रहा है भाई। ये देखिए गंगे के वो साइड जाएंगे तो आप ऊँट का सवारी भी कर सकते हैं। कितना सारे नाव लगा हुआ है और कुछ नाव बोटिंग भी कर रहे हैं लोग यहाँ पे। और ये रहा मणिकर्णिका घाट, जो सारा कुछ आपका इसका रहस्य कहानी सारा कुछ बता चुका हूँ। और ये जो गेट दिखाई दे रहा है ये विश्वनाथ टेम्पल जा सकते हैं इधर से। थोड़ा भी अच्छा ब्लॉग लगा हो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए, ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।